अब आप देखो, मेरे अब ये है आपका रिटायरमेंट का केस नंबर 4। रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 4 है। एक बार आप भी देख लेना ये कैसे होने वाला है। मैं आपको बता दूंगा कि जब वो पॉइंट आएगा ना एडजस्टमेंट वाला, बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम है, जब एडजस्टमेंट का पॉइंट आएगा तब कैसे करना है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यू टेल मी, सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करते हैं तो वेरी नाइस, कितना बैलेंस है आपकी बुक में भी क्वेश्चन है ये वाला, बता दिया मैंने आपको, दीदी को बता दो बेटा। बोलो, हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड अगर रिजर्व्स दिए हुए हैं, ध्यान से देख लो, रिजर्व्स दिए होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, अगर वर्कमैन कंपनी ने रिजर्व दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा कोई क्लेम तो नहीं है। वो बोले केसेस करे हैं आपने, कोई नहीं, मैं वो उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, आराम से देखते रहना बार बार ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग जनरल रिजर्व बांट लेते हैं। 12,000 का जनरल रिजर्व बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, किसे बढ़ता है, एस पी और के, तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 12,000 का जनरल रिजर्व है तो रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2:1, तो 6,000 पे है ना, सॉरी जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 का जनरल रिजर्व है ना, तो कैसे बटेगा, 6,4:2, 6,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000, 2,000, यहां तक बात समझ में आती है, याद रहेगी ये बात। लेकिन जब मैं स्टेप टू बोलना, तो स्टेप टू में हमेशा बोलना कि हम कोई भी रिजर्व होगा वो देखेंगे, और एसेट साइड में देखना कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस है या तो फिर कोई एक्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक में दी होती है। सर देखो दी हुई है ऊपर, क्वेश्चन देखो सर 10,000 रुपये गुडविल दी हुई है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ, क्या करते हैं, राइट ऑफ हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 से होगा, 2 गुडविल कितने रुपए, 10,000 रुपये, तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, फिर से कर लेते हम 5,000, 133333 1667, ठीक ठीक है। अब यहाँ तक बैलेंस शीट का काम तो हो गया, नहीं पड़ गया, अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पर, है ना। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले एडजस्टमेंट याद रखना, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब हम सबसे उठाते हैं गुडविल को, ध्यान समझना, सबसे पहले गुडविल एडजस्टमेंट करो, उसको साइड करो, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन वाला। तो गुडविल कितनी दी हुई है, 22,000, ये किसी गुडविल है, अगर मैं बोलूँ फॉर्म की जो गुडविल है वो कितनी दी हुई है, 22,000 है ना, तो क्या उसको उसकी गुडविल दी हुई है रिटायरिंग पार्टनर की। सर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कितनी, रिटायरिंग और रिटायर कौन हो रहा है, सर प्लीज गुडविल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इस टोटल गुडविल को क्या करेंगे, उसका शेयर इनटू कर देंगे, उसका शेयर कितना दिया हुआ है, 3:2:1, तो 2/6 इसका शेयर दिया हुआ है, बोलो 2/6 इसका शेयर दिया हुआ है, तो जो इसका शेयर दिया 2/6 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 7,333। एक बार कर लेते हैं इसको, कैलसी पे कर लो, फटाफट से कर ले, करो 7,333, हाँ 7,333, ठीक है, तो वैल्यू क्या आई, 7,333, मतलब 7,333, क्लियर है यहाँ तक बात, 7,333। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं सर, इसको गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं दोनों रिमेनिंग रिमेनिंग पार्टनर्स में, मैं इसको यहीं कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों रिमेनिंग पार्टनर कौन होंगे, एस होगा और के होगा, तो जो हमारी गेनिंग रेशियो बचेगी वो क्या बचेगी सर, नॉर्मल केसेस में जो है नॉर्मल बचती है, दैट मीन 3:1, कैसे बची आप बताओ, 3:1, क्योंकि 3 तो एक रेशियो थी वो 2 तो चला गया, तो रेशियो क्या बची, 3:1, सो 3:1 का मतलब फ्रैक्शन में 3/4, 1/4 इनटू में 7,333, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, है वैल्यू कितनी आ रही है आप बताना मेरे को, 5,499, हाँ 5,500 हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अच्छा 5,500 तो लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू क्या बचेगी सर, 7,333 में से माइनस कर देंगे, अगर हम लोग 7,333 में से माइनस कर देंगे तो 1,833 रुपये बचेंगे, 1,833 रुपये बचेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब इसकी जनरल एंट्री बना लें, इसकी जनरल एंट्री बनानी जरूरी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता रहे, गेनिंग पार्टनर कौन है, एस और के, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कौन लेके जाएगा, पीस कैपिटल, है ना, 7,333, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5,500 इसको इसके कम हो जाएंगे और 1,833 रुपये इसके कम हो जाएंगे। अब पहले हम लोग क्या करने वाले हैं सर, पी की कैपिटल बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, पी की, कितनी कितनी बढ़ रही है सर, एक की 5,500 की वजह से दोनों में क्रेडिट कर देंगे और एक का 1,833। मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि पी की कैपिटल बढ़ रही है, बढ़ रही है तब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ए का क्या कारण था सर, ए का कारण था एस कैपिटल, क्या था, एस कैपिटल, दूसरा कारण था केस कैपिटल,
और इस केस में एस और के की जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, घट रही है, एस और के की कैपिटल घटेगी। तो दोनों का अमाउंट यहाँ लिख देंगे 5500 तो यहाँ लिख देंगे और 1833 यहाँ लिख देंगे। और ये किसकी वजह से हो रहा है सर, पीस कैपिटल की वजह से। हमेशा ऑलवेज जर्नल एंट्री मैं कह रहा हूँ रट के चले जाओ, ये पेपर में आती आती है बार बारी बार बारी बार बारी, ये पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है आगे चले। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं, शुरू करें। ये आपको सबको बहुत अच्छे से आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रेज्ड बाय, हेलो क्या लिखा रहा है बाय, क्या लिखा रहा है बाय का मतलब डायरेक्ट उठा दो, बाय का मतलब क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू उठा लो भाई। तो आज हम लोग डायरेक्ट वैल्यू उठा लेते हैं, बढ़ रहा है रिवॉल्यूशन बढ़ रहा, तो क्या लाइबिलिटी है हमारा, प्रोविजन हमारा बढ़ रहा तो डायरेक्ट लाइबिलिटी है, तो वो कितना हो जाएगा 1000। बाय का मतलब डायरेक्ट वैल्यू लेनी है, टू में हम डिफरेंस देखते हैं, रेज्ड रेज्ड टू में भी हम डिफरेंस देखते हैं, क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फिर स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक कितना होगा सर 1800। उसके बाद फर्नीचर भी इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, कितना हो गया 1500। उसके द्वारा देर इज आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस 11000, इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो भैया एक आउटस्टैंडिंग क्लेम निकल के आ गया हमारा, जो कि दैट वी हैव टू पे ऑफ, ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रिएट हो गई भाई। उसके बाद क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो गए, खत्म हो गए, है ना। तो फायदा हो गया हमारे को, कितने का फायदा हुआ 6000 रुपये का। यहाँ तक भी समझ में आई, गुडविल वैल्यू डेट हमने कर लिया, और ये एफ वाला पॉइंट तो सर ये केस नंबर 4 की बात कर रहा है, केस नंबर 4 की बात कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बैलेंस करने वाला, जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाली है, ये कितना हो गया 2800, 2805, 3343, 43 और 54। 100 तो ये डेबिट में हो गया, 6000 यहाँ पर हो गया, तो योर गेन रिमेंस 600। तो क्या आंसर आएगा, टू गेन, किस में बढ़ जाता सर ये, एस पी और के में, जब ये एस पी और के में बटेगा 600, 300, 200 और 100, क्लियर है यहाँ तक भाई। चलो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 300, 200 और 100, चले यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग खेल, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा वेट किया। हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 4 को, ये क्या कहना चाहता है, फिर उसकी वर्किंग करेंगे। बहुत इजी है, ऑलरेडी आप बहुत बारी कर चुके हो, बहुत बारी करने के बाद वो कहता है पवन, पवन को क्या कह रहा है भैया, पवन इज पेड विद द कैश ब्रॉट इन बाय सूरज और कमल। कह रहा भैया जितना भी ये पवन का हिसाब किताब बन रहा ना, इसको निपटाओ, क्या करना है इसको कैश दे दो, क्या करना है इसको कैश दे दो। और ये कैश कौन लेकर के आएगा, ये दोनों लेकर के आएंगे, कौन लेकर के आएगा, सूरज और कमल। तो पहले इसका हम कैश से पूरी कर लेते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे सर, इसकी कमी हमने क्या कर ली पूरी कैश से। तो जब हम इसका एडिशन करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5548400। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मैं रेड से लिख लेता हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हमने क्या लिखा था, 48,200। ये क्या हुआ सर, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई पी की, जो कि हमने कैश में देना है इसको, दे दो घर जा रहा है ना। अगर ये कैश में नहीं देते तो हम लोग क्या करते, इसका लोन अकाउंट ओपन करते, क्या करते, नहीं तो कैश की जगह यहाँ पर लोन आता। अच्छा अब हम पढ़ लेते, पवन इज पेड, पवन को सारा का सारा क्या करना है सर, पवन को कैश पे कर देना। और ये कैश कौन लेकर के आएगा सर, ये कैश लेकर के आएंगे दोनों रिमेनिंग पार्टनर इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शन टू देयर PSR रेशियो, और कैश इन हैंड भी बचना चाहिए, रिमेंस 10,000। ये बहुत बड़ी बात है, उसने बोला कि ये सारा कैश कुछ देने के बाद, किसको, पी को देने के बाद आपकी बैलेंस शीट में जो कैश बचना चाहिए वो 10,000 रुपये बचना चाहिए। ये मेन है इस केस नंबर 4 की लाइन, बड़ी मेन है, इससे आप पकड़ोगे केस नंबर 4 है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बारी। आ जाओ हम लोग निकाल लेते हैं सर, यहाँ पर जो टू बैलेंस CD लिखना है S का और K का, क्या P का बैलेंस CD भी लिखेंगे हम लोग, क्यों नहीं लिखने वाले, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है ना जी। आ जाओ अब S और P, S और K के खाते में क्या आना है वो हम देख लेते हैं।
एक छोटे से वर्किंग नोट के माध्यम से, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हो सकता है हमें बड़ा करना पड़े, वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 4, क्लियर है। अब केस नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, नहीं भी देखी तो मैं फिर से बताया था, टोटल कैपिटल निकालनी है हमने, क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, देखो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी, रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पेबल है, कितना अमाउंट जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को, 48,200 रिटायरिंग पार्टनर। अब इसमें मेन बात आती है, यहां तक तो पता था आपको, अब हम लोग प्लस कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड बैलेंस है, जितना क्वेश्चन ने बोला है कि इतना बैलेंस बचना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर रिटायर रिक्वायर्ड, सॉरी यहां पर क्या हम लोग लिखते हैं, रिक्वायर्ड डिजायर्ड कैश और बैंक बैलेंस, जो कि क्वेश्चन ने बोला, यहां तक समझ में आई, माइनस में कर देंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है हमारे पास है, माइनस में एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस आपको कहां नजर आएगा, बैलेंस शीट में, कहां नजर आएगा, बैलेंस शीट में, करें हम यहां पर थोड़ा सा, हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं, चलो कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर लेंगे। कंबाइंड कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं सर, सारे की सारी किसी किसी की कैपिटल अकाउंट से कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालते हैं, एक पार्टनर की जितनी भी क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखी है वो सारी प्लस करके डेबिट वाली सारी की सारी माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो वो आ जाती है आपकी एडजस्टेड कैपिटल। तो सर मैं अगर बात करूं, यहां पर तीन पार्टनर थे, अब यहां पर पी की बात हो रही, सॉरी पहला पार्टनर कौन है, यहां पर एस और के की अगर हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल हमने निकाली, तो भैया एडजस्टेड कैपिटल निकल के आती है एक की 35,800 और दूसरे की आती है 28,600, जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगी 64,400। समझ में आई कैसे आई है, समझ में आई आपको कैसे आई है 35,800 कैसे आई, ये एडजस्टेड कैपिटल है, ये समझ में आई कैसे आई, कि सारी क्रेडिट आइटम को ऐड किया और डेबिट वाले को मैनेज किया तो ये वैल्यू आएगी। सर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर अभी तो हमने देखा 48,200, रिक्वायर्ड बैलेंस कितना चाहिए था हमें 10,000 रुपये, कितना चाहिए था, अब हम सिर्फ एक आइटम माइनस करेंगे जो हमारा बैलेंस शीट के अंदर हमें कैश का एग्जिस्टिंग बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस शीट में जब देखो फटाफट से सर, बैलेंस शीट में आइटम जो दी हुई है वो दिया हुआ हमारे को 18,000 रुपये, कितना दिया हुआ है 18,000, तो जो हमारी टोटल कैपिटल निकल के आई माइनस प्लस करके वो निकल के आई 104,600, कितनी निकल के आई 104,600, आई बात यहां तक समझ में। स्टेप नंबर 2, अब ये जो न्यू कैपिटल निकल के आई है हमारी, इसको क्या करते हैं, पुराने जो सॉरी नए जो पार्टनर से बचे हुए आपस में बांट लेंगे न्यू पीएसआर में, और न्यू पीएसआर क्या बनती है 3:1, कौन कौन दो पार्टनर है सर, एस है और के है, जब इसको 3:1 में बांटा, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हो जा भाई, चलो इसको थोड़ा सा, चलो अब क्या आएगा 3/4 × 104,600 × 1/4 × 104,600, वैल्यू क्या बच रही है सर 7845026150। अब समझ में आ रही है यहाँ तक सर, इसका मतलब क्या, ये क्या है, ये आपने जो निकाल दिया क्या है सर, ये क्या है बैलेंस सीडी, क्या ये बैलेंस सीडी, कहाँ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिख लें बैलेंस सीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, चलो मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो हम लोग लिख लेते हैं 7 8 4 5 0 और दूसरा 2 6 1 5 0। क्लियर है? अब जो कमी आएगी किससे पूरी करेंगे? डेफिशिएंसी कैश से। अभी बोला ना आप लोग निकाल लेना इसको, जो कमी आ रही है वो उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे 4 2 6 5 0। ठीक है, और 4 2 6 5 0। अच्छा, इसमें एक क्लॉज है, जो दोनों का कैश होगा ना वो पूरा नहीं करेगा। कारण क्या है? दोनों का जो कैश होगा ना वो टोटल मिला के 4 8 2 0 0 नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। कारण है क्योंकि उसने बोला ना कि इतना बैलेंस हमें मेंटेन करना है, तो हमें वहां का इशू भी, अदरवाइज इन दोनों का बैलेंस मैच कर जाता। अब आप जब क्वेश्चन निकालोगे बस आपको ये देखना है कि दोनों में कमी जो आ रही है वो हम किससे पूरी करेंगे? कैश से। इसको वेरीफाई मत करना कि दोनों को ऐड करके आप पी का बैलेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो दोनों, अब यहाँ पर जो कैश का बैलेंस बच रहा है यहाँ पर, वो किस में बचेगा? क्रेडिट साइड में। के अकाउंट का निकाल रहा हूँ मैं, किसका? के का। तो के का जो निकालूंगा मैंने, क्या बचेगा? 2 2 4 5 0। रहने दो, कर लिया 2 4 5 0 और टोटल इसका आप कर लेना है यहाँ पर। पहले बताऊँ यहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ तक तो सारा कुछ ही नॉर्मल ही मामला था वैसे तो, बट थोड़ा सा बीच में जो केस आया प्लस माइनस करने वाला वो थोड़ा सा लगा था, अदरवाइज पहले वाले सारे के सारे केस सेम ही चल रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस अब फटाफट से आप बैलेंस शीट बना लो उसकी, और बैलेंस शीट बना के क्या करो, ख़त्म क्वेश्चन। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल। क्या आ जाएगा? कैपिटल किसकी आएगी? एस और के की। कितनी कितनी है? 7 8 4 5 0 2 6 1 5 0। फिर क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स कितने थे क्वेश्चन में देखो फटाफट से। पहले क्रेडिट्स थे आपके 30,000 के, 30,000 रुपये के थे। अरे क्वेश्चन में देखो ना, ₹46,000 है। ठीक है, 46,000 में से 6,000 रुपये के चले गए तो कितने बचे हमारे? 40। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है आपका? मैं ही देख लेता हूँ ऊपर से, वो तो बट गया ना बेटा पार्टनर्स में, बाकी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो सारा कुछ ही काम हो गया। और एक आउटस्टैंडिंग डैमेज भी था ना 1100 रुपये का, वो तो लिखा नहीं हमने। आउटस्टैंडिंग डैमेज था 1100 रुपये का, था ना आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो क्रिएट हो गई थी रिवैल्यूशन अकाउंट के अंदर 1100 रुपये का। अब आ जाओ सारी एसेट्स अकाउंट के अंदर, ये लाइबिलिटी आपका अकाउंट है, ये रुपीस आपकी एसेट्स है और ये रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कैश में क्या आएगा। कैश में उसने कितना बोला? बैलेंस मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपये का बोला था ना। डेटर्स कितने के बचेंगे? बुक दिखा दो मेरे को आप, मुझे लग रहा है डायरेक्टर साहब हमारे पास पहले कितने के थे? कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ है? डायरेक्टर्स तो हमारे पास 25,000 रुपये के, 3,000 और 1,000 और बढ़ गया आपका, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 20। बोलो 25,000 में से 4,000 रुपये गए तो यहाँ पर बचा 21,000 रुपये के आपके डायरेक्टर्स। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक कितने का था? सर स्टॉक था कितने से कम हुआ? स्टॉक नोट डाउन तो किया होगा, 16,200। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी बची माइनस करके? 16,200। फर्नीचर कितने का बचा? सर फर्नीचर था 30,000 का, तो 30,000 में से जब हम लोग कितना 10% माइनस किया था, 28,500। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? मशीनरी। मशीनरी कितने की आ रही है? 70,000 रुपए की बच रही है। ठीक है, आप इन दोनों साइड्स का टोटल कर लो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्रेडिटर्स 46,000 के थे, एक बार चेक कर लो बस, क्रेडिटर्स 6,000 के जाएंगे, बाकी सारा कैश बैलेंस। ठीक है,
अच्छा, इसका एक तरीका चेक करने का कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, जो ये कैश बैलेंसेस है दोनों के, 4 2 6 4 5 0, और जो दूसरे क्या बचा, 2 4 5 0। यहाँ देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये येलो कलर से कर दिया, एक कैश बैलेंस ये बचा, एक बाय में कैश बैलेंस ये बचा। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बैलेंसेस को प्लस करेंगे अगर वो क्रेडिट साइड लिखे हैं। अगर ये ऑपोजिट साइड लिखे हैं तो ये नेगेटिव में जा रहा है डेबिट वाला। सर, डेबिट वाला क्या जा रहा है, नेगेटिव में। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, इसका रेलेवेंस और कहीं नहीं है। टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए जो क्रेडिट का बैलेंस है वो प्लस 4 2 6 5 0, माइनस में जो ये डेबिट में लिखा था। अगर ये जो 2 4 5 0 ये भी क्रेडिट में लिखा होता तो ये भी क्या होता, प्लस होता, है ना। और साथ में क्या करेंगे, प्लस में जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग बैलेंस बचा हुआ है, क्या, प्लस में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग बैलेंस बचा हुआ 18,000, और माइनस में हमें कितना रखना है, 10,000 रुपये। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो वैल्यू है सारी माइनस प्लस होके किसके बराबर आना चाहिए, जो कि वैल्यू हम, जो कि पैसा हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं। देखो क्या, रिटायरिंग पार्टनर को 4 8 2 0 0 दे रहे हैं हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर को 4 8 2 0 0 दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, इधर से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज का कोई दूसरा रेलिवेंट रेलिवेंस नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपका ये भी खत्म हो गया, रिटायरमेंट इज कंप्लीटेड नाउ।